खाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई घर में जब खाना बनाते हैं बच जाए तो क्या करते हैं? फ्रिज के अंदर रख देते हैं। लेकिन कुछ खाने ऐसे हैं जो प्लान करके फ्रिज में रखते हैं और बाद में गर्म कर सकते हैं, फ्रोजन खाने। भाई दुनिया जिस हिसाब से चल रही है तो खानों को पहले से तैयार करके रखने की ज़रूरत बढ़ चुकी है, क्योंकि समय होता नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें या तो बाज़ार से फ्रोज़न ले लेते हैं और बाद में तैयार करते हैं, नहीं तो ऐसी चीज़ों को घर पे भी तैयार किया जा सकता है। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? एक तो मुझे पता है जिसकी डिमांड मेरे पास बहुत आई है, मैंने पहले बताया है, लेकिन फिर भी ये जो रेसिपी है बहुत ऐसी रेसिपी है काफ़ी लोगों को पसंद आती है, हेल्दी नहीं है लेकिन फेवरेट बहुत लोगों की है। कौन सी चीज़ है? फ्रेंच फ्राइज, फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज। अब फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज का मतलब कि आप इसे थोड़ा तैयार करके फ्रीज कर सकते हैं और फिर जब ज़रूरत पड़े उस समय फ्राई किया। इसके लिए चाहिए क्या? सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आलू हैं वो आप ले लें, और आलू भाई जो ज़्यादा स्टार्ची आलू नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो फ्रेंच फ्राइज का मज़ा तब आता है जब वो लाल नहीं हो लेकिन फिर भी क्रिस्प हो। तो आलू ये देखिए, ये नए से आलू लग रहे हैं लेकिन ये भी मुझे लगता है अच्छे बन जाएंगे। तो आलू को छील कर आप अच्छी तरह से धो लें, और उसके बाद क्या करना है, आपने इसे पानी के अंदर रख देना है ताकि ये लाल नहीं हो आलू, और इसे हमने काटना है। ये देखिए पतली और लंबी फ्रेंच फ्राइज, और इसके बाद ये जो आलू है इसे हम पारबॉयल करेंगे, और उसके लिए एक बर्तन में पानी और इसके साथ ये अच्छी तरह से पानी के अंदर भीगे हुए आलू और इसके साथ साथ इसमें थोड़ा नमक, और इसे पकने दें तब तक जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो आलू है ये पक चुका होगा, ये कच्चा ही होगा लेकिन थोड़ा सा पक चुका होगा। जब ये आलू पक जाएं छान लें, इसे रूम टेम्परेचर पे ले आएं, ठंडा कर लें आप इसे। ये आलू पार बॉयल किए हुए ये देखिए। अच्छा, जब इसे आपने बॉयल कर लिया उसके बाद फ्रीज़र में रखने के लिए आप ये जिप लॉक बैग ले सकते हैं, फ्रीज़र बैग बाज़ार में मिलते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर ये जो आलू हैं इसे डालें इसके अंदर, ये हो गया जिप लॉक, और इसे फैला दें। अच्छा, इसमें अभी हवा है तो थोड़ा सा छेद करके इसकी जो हवा है वो निकाल दें। अब आप फ्रीज़र के अंदर इसे फ्रीज कर दें। ये जो है ये इस तरह से लिया और इसे रख दिया फ्रीज़र के अंदर, ये देखिए। और ये फ्रोज़न वाले जो पहले फ्रीज करके रखे हुए हैं ये निकाल लिए। जब आपने फ्राई करना हो तो बस तेल को गरम किया और ये पैकेट सीधा गरम तेल के अंदर, ये फ्रेंच फ्राइज, वाह नाइस एंड क्रिस्प। ये जब तैयार हो जाएं तो इसको इसी तरह से रहने दें थोड़ी देर, और इसमें तेल निकल जाए, पूरी तरह से तेल निकल जाए, फिर आप इसको इस पर नमक डालें। ये क्रिस्प फ्रेंच फ्राइज तैयार, नाइस एंड क्रिस्प। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। इसे बनाने के लिए 1 किलो बड़े वाले आलू, नमक स्वाद अनुसार, और तलने के लिए तेल। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आलू को छील कर लंबा लंबा काट लें, और अब एक पैन में पानी डालें और इसमें आलू और नमक डालकर इसे ब्लांच कर लें, यानी आधा पका लें। अब इसे छान कर ठंडा करें और एक प्लास्टिक बैग में डालकर फ्रीजर में रखें। जब भी फ्रेंच फ्राइज खाने की इच्छा हो तो निकालें और तेल को करें गरम, और इसे हल्का सुनहरा होने तक तलें और ऊपर से नमक छिड़क कर गर्मा गर्म परोसें। वेलकम बैक, खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आप देख रहे हैं हमारा फ्रोज़न फूड स्पेशल। अब भाई आज के ज़माने में ये भी ज़रूरत हो गई है कि फ्रोज़न फूड कैसे हम बना सकते हैं। अरे हाँ, मतलब
बनाने में तो कोई भी खाना बनाकर फ्रीज किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप बना के रख सकते हैं और बाद में फटाफट तैयार किया, जैसे फ्रोज़न पिज्ज़ा, नहीं फ्रोज़न पराठा से शुरुआत करते हैं, पिज्ज़ा में फिर कभी। इसके लिए आप जो आटा गूंदना है पराठे के लिए, जैसे भी आप गूंदते हैं, सिंपल पराठा हो, स्टफ्ड पराठा हो, कोई भी पराठा हो, करना सिर्फ आपको ये है कि आपने आटा गूंद लिया। अगर ये जैसे मेरे पास आटा है तो अब इससे आपने बनाना है, तो बड़ा सिंपल है, आप इसे गूंदे हुए आटे को आप सिर्फ बेलना है आपने, उसके बाद अब इसमें थोड़ा घी मक्खन तेल लगा लिया और सूखा आटा और ये कर दिया फोल्ड, सूखा आटा और ये शेप आपने कैसे भी देनी है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और उसके बाद नॉर्मल तरीके से आपने इसे बेल लेना है, और फिर इसके बाद बटर पेपर ले लें और इस तरह से रखें, दूसरा पराठा बेला, ये रखा आपने बटर पेपर, दूसरा पराठा इसके ऊपर रखा, और जितने आपने पराठे बनाने हैं आप इसको इसी तरह से फ्रीज़र के अंदर रख सकते हैं। आप चाहें तो इंडिविजुअली भी रैप कर सकते हैं इसे, ये जो पराठा है इसे आप इस तरह से इंडिविजुअली भी रैप कर सकते हैं, और जब ज़रूरत हुई तो आपने इसको लिया और सेक लिया। नहीं तो दूसरा तरीका हो सकता है, वो ये कि आपने पराठा बेला और बेलने के बाद इसे आधा सेक लिया। आधा सेकने का मतलब कि इसे पूरा नहीं पकाएं, थोड़ा पकाएं। जैसे ये ले लिया आपने, और खैर जब तक सिकता है एक और क्विक टिप आपको दे देता हूँ, क्योंकि आज के एपिसोड में फ्रोज़न चीज़ें हम बना रहे हैं, तो ये जो टमाटर हैं भाई इसकी प्यूरे मिलती है, आप प्यूरे बना के रख सकते हैं, लेकिन फ्रेश जो प्यूरे उसकी बात कुछ और होती है, बाज़ार वाले की बात कुछ और होती है। अब फ्रेश को किस तरह से आप उसकी शेल्फ लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके लिए आप आइस क्यूब की ट्रे ले लें, टमाटर को फ्रेश टमाटर को प्यूरे कर लें और उसके बाद उन्हें ये आइस क्यूब की ट्रे के अंदर डालें। ये रख दिया फ्रीज़र के अंदर, ये तो रख दिया मैंने, मैंने कुछ और भी ये बना के रखे हुए हैं क्यूब्स। ये देखिए, ये हैं फ्रेश टमाटो प्यूरे क्यूब्स। आप चाहें तो इस तरह से निकाल कर इसे प्लास्टिक के बैग में निकाल कर रख सकते हैं फ्रीज़र में वापस। और ये जो पराठा है ये देखिए, ये हमने पका लिया, सेक लिया, इसमें घी तेल मक्खन कुछ नहीं डाला है, और अब इसके बाद इसे आप निकाल लें और थोड़ा ठंडा होने दें, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब एक बार फिर पराठा इसके अंदर रखें, रोल करें, जी हाँ, जब थोड़ा ठंडा हो जाए फिर, और उसके बाद रख दें फ्रीज़र के अंदर। और जब भी आपको चाहिए पराठा, थोड़ा सा घी थे मक्खन जो भी चाहिए, और ये पराठे कुछ तैयार हैं मेरे पास, ये फ्रोज़न पराठा, और लीजिए इसे सेक लीजिए, ये लीजिए ये ताज़ा पराठा फ्रीज़र से। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप आटा, नमक स्वादानुसार और 1/4 कप घी। इसे बनाने के लिए आटे में नमक और पानी डालकर इसे गूंद लें और इसके पेड़े बनाकर बेल लें। इसके ऊपर घी और थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसे मोड़कर बंद करें और एक बार फिर इसे बेल लें। और अब इस पराठे को किसी ग्रीस प्रूफ पेपर में लपेट कर फ्रीजर में रखें और जब भी जरूरत पड़े फ्रीजर में इसे निकालें। पराठे को रखें गर्मा गर्म तवे पर और दोनों तरफ से थोड़ा घी या तेल लगाकर सेकें और परोसे गर्मा गर्म। आप चाहें तो इन पराठों को घी लगाकर आधा सेक कर फिर फ्रीजर में रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एक बार फिर इसे पूरा सेकें और परोसें।
इसे बनाने के लिए टमाटर आवश्यकता अनुसार, और बनाने के लिए टमाटर को काट कर मिक्सी में इसका प्यूरे बना लें, और इसके बाद इसे डालें आइस ट्रे में, और इस आइस ट्रे को रखें फ्रीजर में। सेट होने पर उसे ऐसे ही रहने दें या फिर किसी प्लास्टिक के बैग में निकाल कर डीप फ्रीजर में रखें और आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल करें। वेलकम बैक खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और मेरे साथ है शालिनी। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा, खाना बनाने का शौक है? बहुत। वाह, दिल से बोला है बहुत। तो एक काम करते हैं, आज फ्रोजन फूड, मतलब जितने खाने फ्रीज करे जा सकते हैं, ताकि आजकल की भागदौड़ की लाइफ में ऐसे चाहिए ना खाने, तो ये जो है आलू की टिक्की। वाह क्या बात है। आलू की टिक्की कैसे फ्रीज कर सकते हैं, तो इसकी तैयारी थोड़ी सी करते हैं। बिल्कुल। और मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा इसमें तेल। अच्छा, इसमें बहुत थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, जरा सा चाहिए हमें। हाँ बस 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 बस। और इसके बाद आलू में थोड़ा और टेस्ट दिया जाए तो ये, और इसके बाद ये है मेरे पास रोस्टेड चना दाल। ओके, जिसे हम बेसन भी कहते हैं। हाँ नहीं, ये रोस्ट किए हुए है। ओके, तो ये जो चना दाल मिलती है, हाँ ये जी। अच्छा, खाए इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो इसको बस थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। हाँ, रोस्ट और पीसा हुआ है उसके बाद में। ओके, ये जो है आलू, उबले हुए आलू। हाँ जी, इसको मिक्स कर देते हैं, और इसमें कुछ नमक डाला जाए, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। अब कर दीजिए उसको मिक्स। ये तो बस बाकी, क्योंकि इसमें निकाल देंगे तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा जी। अच्छा, इसमें थोड़ा तीखा कुछ डाल देते हैं, हरी मिर्च। और क्या करना है, वो छोटे से पैन में मैंने तेल रखा है ना जो जी, उसमें क्या किया जाए? मैं तभी सोच रही हूँ कि क्या होने वाला है उसमें, वो तब से वहाँ रखा हुआ है। स्टफिंग। ओके ठीक है, तो स्टफिंग के लिए ज़रा सा तेल और इसमें हींग। Okay. और उसके साथ साथ ये मटर जी महाराज, इसे हमने मटर को आप बॉईल कर सकते हैं, नहीं तो आजकल जो फ्रोजन वाले मिलते हैं ना, उसे बस थोड़ा सा पानी के अंदर भी डालें, उसके बाद छान लें तो एकदम कुक जैसे ही होते हैं। okay. उसके बाद मैश कर लें थोड़ा, पूरा नहीं। okay. बस थोड़ा सा ये, और अगर ये भी आपको तीखा चाहिए तो इसमें भी या तो हरी मिर्च कटी हुई, नहीं तो कुटी हुई। okay. इसे जरा सुखाना है, और इसमें नमक भी डाल देते हैं। okay. अच्छा, ये मुझे बताओ शालिनी, ये जो गहना है वो शालिनी से कितनी मिलती जुलती है? गहना बिल्कुल ऑपोजिट है शालिनी के। हाँ। सिर्फ इतने बड़े मामले में कि शालिनी बहुत बोलती है और गहना बिल्कुल भी नहीं बोलती है। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालते हैं। अच्छा, ये है अमचूर, खटाई इसमें। ये तो मेरे ख्याल अब काफ़ी ड्राई हो गया, इसे बंद कर देते हैं और इसके अंदर निकाल लेते हैं। ओके। ताकि थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो जाए, क्योंकि पैन गरम रहेगा तो थोड़ा गड़बड़ है। और इसमें हरा धनिया डाल देते हैं कटा हुआ। स्टफिंग हो गई, आलू की टिक्की हो गई, अब क्या, अब तो कुछ भी नहीं। आलू की टिक्की, इसमें ये स्टफिंग डाल देते हैं, और स्टफिंग जो है उसमें थोड़ी ठंडी करके डालें। ये डाल दी। ये बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है। ये तो खाते समय दिखेगा, वैसे तो नहीं दिखने वाला। अब मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ। ये हो गया, को रोल कर लें ऐसे, और क्या, एकदम परफेक्ट बन गई टिक्की। अब इसके बाद इसको फ्रीजर में रखना है। अच्छा, खानी थोड़ी है ये, तो बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात है ना। तो इसको आप ये जिप लॉक बैग में रख सकते हैं, बटर पेपर में रैप कर सकते हैं, एल्युमिनियम फॉइल में रैप कर सकते हैं। okay. तो ये जो है टिकिया आपने ली और इसे रख दिया प्यार से ये फ्रीजर के अंदर। और ये बाहर कब निकाल सकती हूँ मैं? हाँ, ये वाली जो है ये कुछ पहले से कुछ फ्रीज हुई हुई हैं। ये देखिए, बटर पेपर में थी। ओके। अब ये जो है
इसको आप मीडियम हीट के ऊपर डीप फ्राई करें. गरम तेल. वाह, चलिए इंतजार मतलब रंग लाया है. हाँ, ये जो टिक्की है ये एक काम करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि भाई ये पक गई है या नहीं पक गई है. आह गरम, इसे आह. अरे वाह, क्या बात है संजीव जी. मैं सब लोगों की तरफ से आपको इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज हमें बताने के लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ. क्या बात है, मजा आ जाता है वाकई. अब ये तो मुझे पता नहीं कि शालिनी और गहना ये उनमें कितनी ऐसी चीजें हैं जो मिलती जुलती हैं, लेकिन मुझे शालिनी अच्छी लगती है. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. ऐसे ही मुस्कुराते रहें. आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप. इसे बनाने के लिए 5 बड़े आलू उबले हुए और मसले हुए, 2 बड़े चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच भुनी हुई चना दाल पिसी हुई, नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 हरी मिर्च पिसी हुई. स्टफिंग के लिए 1/2 कप मटर के दाने उबले हुए और मसले हुए, 1 बड़ा चम्मच तेल और तलने के लिए तेल, चुटकी भर हींग, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच अमचूर, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नमक स्वादानुसार और 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ. इस टिक्की को बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करके इसमें जीरा, कटा हुआ अदरक और भुनी हुई चना दाल पिसी हुई डालकर भून लें. अब इसमें उबले हुए आलू, नमक और गरम मसाला पाउडर डालकर मिलाएं और इसे निकाल कर ठंडा कर लें. अब इसमें हरी मिर्च डालकर एक बार फिर मिलाएं. स्टफिंग के लिए एक पैन में तेल गरम करके इसमें हींग, फिर उसके बाद पिसे हुए मटर, कटी हुई हरी मिर्च और नमक डालकर भून लें. अब इसमें डालें हल्दी पाउडर और अमचूर, इसे अच्छी तरह से मिला लें और इसे निकालकर ठंडा कर लें. और इसके साथ इसमें मिक्स करें कटा हुआ हरा धनिया. अब तैयार मिक्सचर से आलू की टिक्की बनाकर इसमें स्टफिंग को भरें और एक बार फिर इसे बंद करें और इसकी टिक्की बना लें. इसे किसी प्लास्टिक बैग में या जिपलॉक बैग में डालकर फ्रीजर में रखें और आवश्यकता पड़ने पर इसे निकालें और गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें और इसे गर्मा गर्म परोसें. और अब बारी है आज की टिप की. हरे मटर को कैसे फ्रीज किया जाए, उसके लिए मटर को छीलकर एक मसलिन क्लॉथ में डालें और इसकी पोटली बनाएं और उबलते पानी में थोड़ी देर तक, यानी 2 मिनट से ज्यादा नहीं, रखें और तुरंत निकालकर बर्फ वाले ठंडे पानी में धोकर आप इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकालें. और अब इसे किसी प्लास्टिक बैग में डालकर फ्रीजर में रखें और आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल करें. आज बस इतना ही. आप इंजॉय करें, बनाएं ये बढ़िया बढ़िया चीजें. नमस्कार.